हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको गूगल प्ले स्टोर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर आपका जो है गूगल प्ले स्टोर है गाइस ऑन नहीं हो रहे, ऐसे ही जो है अटका जा रहा है, या डाटा ऑन है फिर भी ऑफलाइन शो हो रहे, या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, इंस्टॉल नहीं हो रहे, एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में प्ले स्टोर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर से आपको गूगल प्ले स्टोर को ढूंढना होगा। आप लोग सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। तो देख सकते रहा गूगल प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा का ऑप्शन है, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपका गूगल प्ले स्टोर का जो भी डाटा कैची फाइल्स वगैरह होंगे गाइस वो डिलीट हो जाएंगे, और प्ले स्टोर के जो भी सेटिंग्स वगैरह होते हैं गाइस वो रीसेट हो जाएंगे, और आपका जो गूगल प्ले स्टोर प्रॉब्लम था गाइस वो भी 100% सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।